से टाइम निकाला, ठीक है। और स्पेशली जो कि मैं राव अमीर भाई का बहुत शुक्र गुजार हूँ जो कि पंजाब से स्पेशली इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, और बाकी भी जो चीफ गेस्ट हैं मैं उनसे बहुत शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने अपनी टीम के वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है चीफ ऑफ ऑनर जो है मैं राव अमीर तो भाई को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और इतना थोड़ा सा राय गुजार करें। आना चाहता हूँ सुफियान भाई आए और अपना इंट्रोडक्शन दें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें ऑडियंस के साथ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आज किस लेवल पर कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को इंट्रो दे दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान खत्री है और लव बर्ड और बजरीगर संगीत कराता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2013 या 14 से, नॉर्मल लव बर्ड से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड के अंदर भी बड़े अच्छे बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ और बजरीगर्स में भी बहुत अच्छे बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली छोटा सा एक पॉइंट है, वो सबको मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस ये है कि एक बर्ड को पकड़ के जब आपने पकड़ लिया तो उसे छोड़े ना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बर्ड को स्विच बहुत जल्दी करते हैं और जिसकी वजह से आज हम शायद दुनिया में काफ़ी पीछे रह गए एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों के। तो कोई भी बर्ड हो, नॉर्मल होगोरोमो हो, नॉर्मल एग्जीबिशन बजरीगर हो, ट्रस्ट हो, लव बर्ड हो, जो भी बर्ड आप, एक इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता कि आप एक बर्ड खरीदें, किसी से भी खरीदें, कोई भी बर्ड खरीदें, तो छोटी सी बात अपने दिमाग में बिठाएं कि उस बर्ड से आप